अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रानी जी आप ठीक है ना? जो कल घर में आया था, देखिए उसकी पूंछ में चोट लगी हुई है। ये सांप बहुत ही खतरनाक है, तो आप में से कोई भी इसके आसपास मत आइएगा। भगवान, मेरी तो सांस फूल रही। दादी, दादी तो क्या हम आपके लिए ना पंप लेकर आते हैं? रुक जाओ, मैं जाकर लेकर आता हूँ। नहीं मुन्ना, तू तो कहीं नहीं जाएगा, हम तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकते बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। पक्का ना माँ, ठीक हो आप? Thank you.
हत्याधारी नागिन, ये अचानक से बीन की आवाज क्यों बंद होगी? वो सपेरे बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ नैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने सपेरे को डस लिया हो? मैं जाके देखता हूँ। नहीं 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 रिवम जी, आप इस वक्त कहीं भी नहीं जाएंगे। वो थोड़ी देर इंतजार करते ना, बाबा आ जाएंगे, आप ले जाएंगे। उस सांप ने फिर से मुन्ना को मारने की कोशिश की तो पापा को बोलते, उस सांप को कहीं दूर भेजते। राधिका कली, तुम लोग जाओ, जाकर के सबके लिए पानी लेकर आ जाओ। चाची साजी, अब हम क्यों जाएंगे? आपको नौकरानी को कहिए ना। अरे हाँ, नियति कहाँ है? नियति, ये नौकरानी भी ना कुछ ज्यादा ही चालाक है, जब भी काम होता है हमेशा गायब हो जाती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल नियति ने हमें बताया, उसे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, शायद डर की वजह से यहीं कहीं छुप गई होगी। अब आप लोग रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं सबके लिए। देवरानी जी, हम भी आते हैं। हाँ भाभी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शौक है ना तुझे सांप पकड़ने का? बहुत शौक है ना तुझे नागिन से बंगा लेने का, और तू नागिन को पकड़ के ही जा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि नागिन होती क्या है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो नीचे जाके बोल कि तूने सांप पकड़ लिया है। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्व की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कर वो सांप के जहर से मर जाती, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया। सीधा यहाँ से बाहर जाएगा, इससे पहले कि कोई सवाल करे तो सीधा यहाँ से बाहर जाएगा। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना जहर से मार दूंगी। निकल यहाँ से। पकड़ लिया। हमने सांप को पकड़ लिया। सच में बाबा, आपने पक्का सांप पकड़ लिया है ना? आप जाएं तो देख लीजिए। चलते हैं। बाबा, नहीं नहीं, इसको हम जमीन छोड़ के आते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। नौकरानी जी, कहाँ थी आप? जब देखो तब काम के वक्त गायब हो जाती हो। वो हमें सांप से बहुत डर लगता है, इसलिए हम छुप गए थे। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, सांप पकड़ा गया है। दिव्यम बेटा, तुम कह रहे थे ना बाबा को पैसे चाहिए, देखो बाबा पैसे लिए बिना ही चले गए। बात ये है, बाबा तो ऐसे भाग गए जैसे सांप उनके पिटारे पे नहीं बल्कि उनके सर पे कुंडली मार के बैठा हो। जो हुआ अच्छा हुआ, भोलेनाथ की कृपा से वो सांप तो पकड़ा गया। अब हम सब मिलके ना भोलेनाथ को धन्यवाद कराते हैं। भाई आओ मंदिर की तरफ चलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन पर कभी कोई आंच ना आए।
हर हर महादेव। किसी ने तो मेरे और सवेरे की बात सुनी थी, पर वो कौन हो सकता था? कहीं कहीं वो मेरे लिए खतरा ना बन जाए, कहीं वो राधिका तो नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वजह से ना बहुत ही खुजली हो रही है। निकाल दो क्या? वैसे भी घर में अब आप तो है नहीं। निकाल देता हूं। कल किसी ने तो मेरे और सपेरे की बात सुनी थी, अगर मेरी सच्चाई का सबको पता चल गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप कभी भी एक अलावा नहीं उतारेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रहने देता हूँ, राधिका को पता चलेगा तो फिर बेकार में ही नाराज हो जाएगी। पहन लेते हम। कौन सी वाली घड़ी अच्छी लगेगी? दोनों ट्राई करके देखता हूं। ये वाली अच्छी नहीं लग रही। अरे यार, जरूर क्लाइंट का कॉल होगा। रात मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं अपना बदला जल्दी पूरा करूं। यार, क्लाइंट का ही मैसेज ऑन टाइम है। एक काम करता हूं, जल्दी से उसकी फाइल पढ़ लेता हूं। रुको राधिका जी, तुम ये सुख मुन्ना के लिए लेकर जा रही हो तो ये लो नमक। मुन्ना को सूप में तेज नमक पसंद है। जी माँ जी। जी आपके लिए सूप। ये नमक कहां से आया? बहुत जलन हो रही है। ठीक हो? हाँ देवम जी, हम ठीक है। सॉरी, वो नमक गिर गया, हम साफ कर देते हैं। इससे पहले कि राधिका को कवच दिखे, मुझे दिव्यम को डसना ही हुआ।
जी ये कवच। सॉरी राधिका, मेरे ध्यान में नहीं आया कि कब नीचे गिर गया, हाथ से निकल गया। जी आप भी ना बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते। हमने आपसे कहा था कि आप ये कवच नहीं उतारेंगे, पर आपको माननी नहीं रहती हमारी बात। इस कवच ने फिर से दिव्यम को बचा लिया। अब कोई फायदा नहीं है मेरे डसने का। हाँ ना राधिका, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला कब नीचे गिर गया। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है राधिका। तो फिर जी हम जानते हैं कि अब घर में सांप नहीं है, पर पता नहीं क्यों अभी भी मन में डर सा है। अब प्लीज कुछ दिन और बांध के रखिए ना इसे। कुछ दिन अगर मेरी पत्नी कहेगी तो पूरी जिंदगी पहन कर रखूंगा ये धागा, मंगलसूत्र समझ के। मुझे आपको लेट नहीं हो रहा है? लेट तो हो रहा है राधिका, इसलिए जल्दी से उस दिन वाली किस कर दो। अब मुझे कैसे पता होगा राधिका, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ। साफ सफाई करते वक्त सही से नहीं रखा होगा तो हवा से गिर गया। दर्शन जी वो झूठी है, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी इस कलावे को नहीं उतारेंगे। बेगम साहिबा, आपका हुक्म सरा। अब मैं जाके सूप पी लूं, प्लीज दे दो मुझे। आज दिव्यम फिर से बच गया, लेकिन राधिका की बातों से ये तो साफ था कि उसने मेरे और सपेरे की बात नहीं सुनी। फिर किसने सुनी है हमारी बात? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। गोलू जी, चाय। थैंक यू सो मच नियति, इसकी बहुत जरूरत थी। ये तो बिल्कुल मेरे नागिन का अवतार लेकर आई है, कहीं कहीं इसने तो मेरी बात नहीं सुनी थी। कली, ये क्या रूप ले रखा है तुमने? गुरु जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम इच्छाधारी नागिन बनी है।
पर भाभी क्यों? अरे देवरानी जी, ताकि अगली बार जब वो सांप इस घर में वापस आए और हमें देखे तो उसे ऐसा लगे कि हम उसी की बिरादरी के, तो वो हमें बख्श देगा ना, इसलिए। इच्छाधारी नागिन कली, तुम्हें इच्छाधारी नागिन बनने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद ही नागिन हो। खामोश, वरना हम डस लेंगे। वैसे नौकरानी जी, आप बताइए, लग रहे हैं ना हम एकदम इच्छाधारी नागिन? तुक्का, इसी ने कल मुझे देखा होगा सपेरे के साथ। अली, ये क्या मजाक है? अरे सांप कल पकड़ा जा चुका है, अगर अभी कोई हमारे घर में आएगा और तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? चलो कपड़े बदल के आओ, जाओ और सुनो, पिक्चरें थोड़ी कम देखा करो। हाँ दादी, सास जी, कोई मजाक नहीं है, ये सब हमने खुद को बचाने के लिए किया है। बकवास बंद करो कली, जितना कहा गया उतना करो, जाओ। काश हम भी उस नागिन जैसे बन पाते। ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या? सच में इसे मेरी हकीकत पता है क्या? पता करना होगा। ये नियति इतने टेंशन में क्यों है? राधिका, अभी हम गिर जाते तो? मेरे होते हुए कैसे गिर जाती तुम? मैं हूं ना तुम्हें हमेशा संभालने के लिए।